दोस्तों आज आपसे ना बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी के 4 या 5 मिनट इस वीडियो को दे देना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से किसी पर्सन की मदद हो सकती है। और मैंने इस वीडियो का मोनेटाइज भी डिसेबल करके रखा है, इसलिए करके रखा है कि मैं आपके 15 या 20 सेकंड बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि आप लोगों को पता चल सके और किसी की मदद हो सके। दोस्तों सबसे पहली बात मैं यही बोलता हूँ कि अगर किसी की मदद ना कर सको ना, तो किसी का फ़ायदा भी मत उठाओ, और अगर किसी की मदद करना चाहते हो ना, तो निस्वार्थ भाव से मदद करो। टेक्निकल इसरार भाई की चैनल पर 2 स्ट्राइक आई है, तो कल मैंने वो वीडियो बनाया था तो मुझे कमेंट आ रहे थे, तो उस कमेंट में ऐसा सा लिखा था कि इसरार झूठ बोल रहा है कि जब 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आती हैं तो चैनल का मोनेटाइज बंद हो जाता है, चैनल की अपलोडिंग बंद हो जाती है। भाई मैं मानता हूँ कि ये होता है, लेकिन उसके जो कुछ रूल्स होते हैं वो हमको जानना ज़रूरी होता है कि जब कॉपीराइट क्लेम आता है ना तो हमारा रिवेन्यू शेयर होता है, और जब कॉपीराइट स्ट्राइक आती है ना तो सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक आती है और यूट्यूब हमारी वीडियो को टेक डाउन कर देता है। लेकिन जब कॉपीराइट गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है ना, जब हमारा चैनल का मोनेटाइज बंद होता है और 7 दिन के लिए वीडियो अपलोडिंग बंद होती है, लाइव स्ट्रीमिंग बंद होती है, और 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो 14 दिन के लिए बंद होती है। कब होती है? जब कॉपीराइट गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है तब। लेकिन टेक्निकल इसरार भाई की चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक है जो किसी क्रिएटर के तरफ से भेजी गई है, ठीक है? इसलिए अपने दिमाग में से डाउट निकाल लो, किसी को कुछ भी जाने बिना समझे बिना कुछ मत बोलो, क्योंकि अभी के टाइम टेक्निकल इसरार भाई को हेल्प की जरूरत है। और अभी अभी मैंने सुबह उठ के देखा, मेरी वीडियो पर एक कमेंट आ रहा है टेक्निकल इसरार नाम की फेक चैनल से। क्यों करते हो यार, सिर्फ अपना फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए 400-500 व्यूज के लिए यार इंसान कुछ भी कर लेता है यार, ऐसा मत करो। और जिस पर्सन ने टेक्निकल इसरार भाई को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया ना, मैं उनके लिए बस 2 वर्ड बोलना चाहता हूँ, दोस्त अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे ना तो ऊपर वाला तुम्हारे लिए भी बुरा ही करेगा। अगर तुम किसी को हर्ट करोगे तो इतना याद रखना, वक्त सबका होता है और एक दिन सबका आता है। अगर तुमने उसको हर्ट किया ना तो एक दिन तुम हर्ट जरूर होगे। अरे उसकी चैनल का कोई टैलेंट नहीं, उसकी कोई बात नहीं है, भाई के अंदर टैलेंट है, दूसरी चैनल खड़ा कर सकता है और सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ पूरी फैमिली जुड़ी है, हर इंसान उसको आगे ला देगा। लेकिन वक्त अगर उसका भी है ना तो वक्त तुम्हारा भी आएगा। इसीलिए दोस्त अगर कॉपीराइट स्ट्राइक दिए ना, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी के साथ गलत मत करो। अगर आगे बढ़ना ही चाहते हो ना तो अच्छी तरीके से आगे बढ़ो यार। तुमको प्रमोशन चाहिए ना, मैं आपका प्रमोशन कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं आपके बारे में वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए उसकी चैनल से स्ट्राइक हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि किसी की जिंदगी जुड़ी हुई है, किसी का करियर जुड़ा हुआ है, किसी का घर जुड़ा हुआ है, किसी की रोजी रोटी के साथ ऐसा कभी भी खिलवाड़ मत करना, कभी खिलवाड़ मत करना। और बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि किसी की अगर मदद करना चाहते हो तो निस्वार्थ भाव से मदद करो, कभी किसी की मदद के लिए अपना फायदा मत सोचो। और ये वीडियो जितना हो सके अपनी वीडियो पर अपलोड करो और सेम टाइटल रखो और सेम थंबनेल रखो और एक ही हैशटैग लगाओ, #helptechnicalisrar, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस बंदे की मदद हो सके और यूट्यूब तक ये वीडियो पहुंच सके। जब तक वीडियो पहुंचेगी नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड करो, आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई भी क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको फ्री यूज रख करके रखा है, बस अपलोड करो। और दूसरी बात, ये बात बता देना चाहता हूँ, दुख क्यों होता है पता है? क्योंकि मुझे पता और आप लोगों को पता होगा ये बात कि जब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे करने में 1 साल लग जाता है, पूरा मेहनत करते हैं, और जब अगले दिन जब मोनेटाइज डिसेबल होता है ना, तो पता उस इंसान के साथ क्या होता है? मुझे पता है भाई, मेरा जब 14 अक्टूबर के दिन मेरा चैनल डिसेबल हुआ था, मेरे बर्थडे के दिन मैं पूरी रात रोया था कि ऐसा क्यों हो गया। और वही चीज आज टेक्निकल इसरार के साथ हो रही है। क्यों हो रही है पता है? 2 कॉपीराइट स्ट्राइक है, अगर 1 स्ट्राइक और आ गए ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी भाई की, जिंदगी बिगड़ जाएगी यार, करियर खराब हो जाएगा। इसीलिए दोस्त जितना हो सके अभी के लिए खुद के फायदे के लिए और निस्वार्थ भाव से उस इंसान की मदद करो। अगर उस इंसान की अगर तुमने दिल से मदद कर ली ना तो ऊपर वाला तुम्हारी जरूर मदद करेगा। और ARP फैमिली को रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अगर पूरा देखा हो ना तो जरूर मदद करना। अगर दिल से फॉलो करते हो मुझे या टेक्निकल इसरार भाई को, अगर दिल से फॉलो करते हो तो वीडियो को डाउनलोड करके
अपने चैनल पर अपलोड करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बस यही बोलना चाहता हूँ और कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये सुन के मैं स्पीचलेस हो गया हूँ कि यूट्यूब ऐसा क्यों करता है यार, क्यों करता है। इसीलिए यार यूट्यूब को सिक्योर करने के लिए हमारे पास बस एक ही काम है कि हमको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, जिससे यूट्यूब के पास हमारी वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हो सके तो प्लीज़ कर देना, प्लीज़ कर देना, बस और कुछ नहीं चाहता मैं।